हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम विद फैशन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप विद लैक्मे सीसी क्रीम। ये लुक मैंने बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट के साथ क्रिएट किया है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप हॉलिक नहीं हो या आप एवरीडे मेकअप करना चाहते हो बट आप बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहते हो तो ये मेकअप लुक आपके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइज। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे फेस पर कोई मेकअप अप्लाइड नहीं है एक्सेप्ट लिप बाम और मॉइस्चराइजर। मैं चार्मिस का मॉइस्चराइजर अप्लाई की हूँ अपने फेस पे। ये स्पेशली ड्राई स्किन वाले के लिए है। ये आपके फेस को अच्छे से हाइड्रेट करता है। इसमें विटामिन ए सी ई प्रेजेंट है। अगर आपको पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट पर प्रॉब्लम है तो आप कंसीलर यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे कंसीलर स्किप कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लैक्मे सीसी क्रीम ले रही हूँ बेस के लिए। मैं पूरे फेस पे डॉट डॉट कर लूंगी। नेक एरिया पे इसे अप्लाई करना ना भूलें। मैं अपने फिंगर टिप से इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। हल्के हाथों से इसे ब्लेंड करें। आप चाहो तो यहाँ पे आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हो। आप देख पा रहे हो कितना अच्छा कवरेज दे रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। बेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज करूंगी। आप चाहो तो वाइट टोन का इल्डूज पाउडर भी यूज कर सकते हो। मैं पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी कॉम्पैक्ट को। डेली मेकअप यूज के लिए आप सीसी क्रीम या बीबी क्रीम ही यूज करें, ज्यादा फाउंडेशन क्रीम ना यूज करें। इसमें आपको 3 सेट मिल जाता है आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग। मेरा बेस सेट हो चुका है तो अब मैं अपने आईब्रो को ग्रूम करूंगी। सो आपको इस तरह का पेंसिल काजल लेना है या फिर आपके पास जो भी ब्लैक काजल अवेलेबल हो आप उसे ले सकते हो। हल्का हल्का मैं लाइन ड्रॉ कर लूंगी अपने आईब्रो पे इस तरीके से, बहुत डार्क ना करें। इस तरह का एंगल ब्रश से मैं अपने आईब्रो को शेप दूंगी। सो मैं इसके बैक साइड से अच्छे से इसको कॉम कर लूंगी अपर डायरेक्शन में। इससे ये नेचुरल लगेगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि आईब्रो ग्रूम होने के बाद कितना अच्छा ये लुक देता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो मेरा आईब्रो भी डन हो गया है। सो अब मैं अपने आई मेकअप पे आऊंगी। मैं इस पेंसिल काजल से मैं यहाँ पे एक थिन लाइन ड्रॉ करूंगी क्लोज टू माय लोअर आईलिड। आपको बहुत ज्यादा परफेक्ट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस हल्का हल्का इस तरह से ड्रॉ कर ले। मैं इस ब्रश के हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूंगी। थोड़ा सा इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पे ब्राउन आई शैडो का यूज करूंगी। ब्लैक के ऊपर ही इसे अच्छे से ब्लेंड करें। अगर आप इसे फॉलो करोगे तो बहुत ज्यादा इजी लगेगा और आफ्टर रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आता है। आप इसे डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो। सो आप देख रहे हो कितना अच्छा ये इफेक्ट आया है। अगर आपको ये और ब्लैक रखना है तो आप थोड़ा सा और ड्रो कर सकते हो ब्लैक का। सो थोड़ा सा हल्का सा और इसे ब्लेंड करते हैं स्मूथ लुक के लिए। ब्राउन आई शैडो से मैं नीचे भी स्मश कर लूंगी थोड़ा। मैं थोड़ा साफ लुक देने के लिए कंसीलर का यूज करूंगी। इस तरह से मैं डैब डैब करके अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इससे आपको एक क्लीन लुक आएगा। मैं सेम प्रोसेस इसमें भी रिपीट करूंगी।
तो जैसा कि आप देख रहे हो ब्लैक और ब्राउन का स्मच लुक कैसे क्रिएट हो गया है, बहुत ही इजी है। सो ये जो आई शेडो लुक है बस 2 मिनट्स पे आप क्रिएट कर सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। अगर आप जल्दी जल्दी में भी करना चाहते हो तो लुक क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही ईजी और बहुत अच्छा एक लुक क्रिएट होता है। सो अब मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी। मस्कारा आपके आईलैशेस को बहुत अच्छा वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हो। एवरीडे मेकअप में अगर आप आई शैडो अप्लाई नहीं भी करना चाहते हो तो आप अगर आप सिर्फ मस्कारा भी अप्लाई कर रहे हो तो बहुत अच्छा ये लुक आता है, जैसे कि आप देख रहे हो। मैं लैक्मे का 9 to 5 लिपस्टिक यूज कर रही हूँ फॉर ब्लश। थोड़ा ज्यादा ब्लश मुझे लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा एडजस्ट करूंगी, तो मैं इसे कॉम्पैक्ट की हेल्प से थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगी। सो लिप्स के लिए मैं यहाँ पे पेंसिल लिप लाइनर अप्लाई करूंगी। तो ये मेरे मेकअप से जा भी रहा है, जैसे कि आप देखो कितने फ्रेश और क्लीन लुक क्रिएट हुआ है। अगर आप टीनेजर्स हो या फिर आप किसी भी एज के हो तो आप इसे इजीली क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट के साथ और बहुत ही कम टाइम के साथ ये लुक क्रिएट होता है। सो जैसे कि आप देख रहे हो कि कितने कम टाइम में कितना अच्छा लुक क्रिएट हुआ है, और जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज किए हैं सारे इजिली अवेलेबल होते हैं। आई थिंक हर किसी के घर में जो भी बिगिनर्स है टीनेजर्स है उनके पास इजिली अवेलेबल होते हैं, और आप उससे कितना अच्छा एक लुक क्रिएट कर सकते हो। अगर आप कहीं डे टाइम पे जा रहे हो तो इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हो। आप इस लुक को जरूर ट्राई करें, होप्सो कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और सारे स्टेप अच्छे से फॉलो करें, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आप भी इसे क्रिएट कर सकते हो, और मेरे साथ इसे जरूर शेयर करें। मेरा ये लुक आपको पसंद आया हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करना है, नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को क्लिक करना है। सो टिल दैट बाय बाय गाइज़।